3 में रॉकी भाई लड़ेंगे ड्रग माफिया के अगेंस्ट। क्या होगा रमिका का नेक्स्ट मूव? मेकर्स हैं जबरदस्त एक्शन के मूड में। KGF 2 की एंडिंग में मेकर्स ने इसके पार्ट 3 के लिए हमें कई सारे हिंट्स दिए थे, जैसे रॉकी भाई के डूबे जाने के बाद भी उनके नाम पर फॉरेन क्राइम की फाइल का खुलाना। PM रमिका की बात करें का जिंदा रहना, ऐसे में जब पार्ट 3 की बात हो रही है तो हम सब ये मान रहे हैं कि ये KGF 2 का प्रीक्वल होगा, जिसमें रॉकी भाई का उन सालों पर फोकस किया जाएगा जहां उन्होंने इंडिया से बाहर बिताए। रॉकी भाई के कैरेक्टर को ध्यान में देखा जाए तो हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गरीबों को न्याय दिलाते हैं। रॉकी भाई ने गोल्ड की खदानों में अंदर ही पूरा शहर बसा दिया था, जहां उन्होंने खदानों में काम करने वाले लोगों को हर वो सुविधा मिली जिसे वो व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसलिए इस कैरेक्टर को डॉन जैसा दिखाने के बावजूद इतना पसंद किया गया। इससे हमें मेकर्स के कैरेक्टर बिल्डअप का आइडिया लगता है। खबर आ रही है कि KGF 3 में इसी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए मेकर्स रॉकी भाई को इंटरनेशनल मार्केट में भारत में आ रहे ड्रग माफिया को बढ़ने से रोकेंगे। इंडिया में ना रहकर भी रॉकी इंडिया के यूथ को ड्रग से रास्ते पर नहीं जाने देंगे और इसी बेसलाइन पर पूरा प्लॉट आधारित होगा। इसी के चलते शायद हमें KGF 3 में गैंगवर देखने को भी मिले और इन्हीं गैंगवर के चलते वह रॉकी भाई पर केसेस दर्ज करके होंगे, जो KGF 2 की एंडिंग में दिखाए जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी कितनी एक्यूरेट है ये तो फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने पर ही पता चलेगा। KGF 2 में रवीना टंडन ने PM रमिका का किरदार निभाया था। ये किरदार रॉकी भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, जिसके कारण ही फिल्म की एंडिंग में रॉकी भाई के ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ था। रमिका का किरदार बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग था। ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर नेगेटिव रोल्स में कम ही देखने को मिलते हैं, जिसके चलते हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो हमें KGF 3 में भी ऐसा ही पावरफुल देखने को ज़रूर मिलेगी। KGF 3 में ये भी देखने को मिल सकता है कि कैसे रमिका और रॉकी में केवल एक PM और क्रिमिनल होने की वजह से दुश्मनी नहीं, बल्कि दोनों का पर्सनल एजेंडा भी शामिल था, जिसके साथ एक अच्छा वन साइड प्लॉट हमें देखने को मिल सकता है और फिल्म के निर्माता ज़रूर इस बात पर ध्यान रखेंगे। KGF फ्रेंचाइजी एक साउथ इंडियन मूवी है और एक चीज़ जो हम साउथ इंडियन मूवी के बारे में जानते हैं तो वो ये है कि इसमें एक्शन भरपूर होगा। ये हमें KGF 1 और 2 दोनों पार्ट्स में देखने को मिला था और इसके थर्ड पार्ट में भी यही उम्मीद की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि जो टीम पहले दो पार्ट्स में एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफी कर रहे हैं, वही टीम इस बार एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ करेंगे, क्योंकि शायद KGF का चैप्टर 3 इसका लास्ट पार्ट भी हो सकता है, तो एक्शन सीक्वेंसेस से ज्यादा धमाकेदार होने ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कब आएगी KGF 3? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस।